नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे आज हम बनाएंगे मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग एक लायन की बिल्कुल कंटेम्प्रेरी बिल्कुल क्रिएटिव यूनिक स्टाइल में तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेस के लिए हमें क्या चाहिए बेस के लिए चाहिए ए साइज का एक मोटा थिक पेपर थ्री हंड्रेड जीएसएम का जो मैंने स्केच पैड से लिया है और उसके फर्स्ट uh, स्टेप्स के लिए हमें चाहिए पेंसिल इरेजर और स्केल तो हम स्टेप बाय स्टेप मटेरियल को भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले सिर्फ पेपर पेंसिल स्केल से काम करना है तो यूजुअली जो है एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में स्केल uh, और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं होता है मिथिला पेंटिंग में जनरली लोग फ्री हैंड जो मिथिला होते हैं लेकिन हम बिगिनर्स हैं और हम कुछ अलग यूनिक करने वाले हैं इसलिए मैं स्केल uh, और पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूं सबसे पहले हम चारों तरफ बॉर्डर खींच लेंगे और बॉर्डर खींचने के बाद क्या करना है आपको डायगेनली मिलाना है बिल्कुल एक एंगल से दूसरे एंगल तक डायगेल और उसमें लाइन खींचनी है ऐसे ऐसे लाइन खींचना खींचते हुए आगे बढ़ना है और पैरल लाइन्स पूरे शीट में भर देना है तो ऐसे आगे खींचते चलेंगे हम पैरल लाइन्स थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ कर आगे खींचते चलेंगे पूरा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बनाना है और उसी तरह से उल्टे साइड से भी क्रॉस करना है उसको तो बेसिकली क्रॉस पैटर्न चेक्स पैटर्न आपको क्रिएट करना है पूरे आ, आ, जो आपने बेस एरिया है जो आपका बॉर्डर छोड़ के जो बाकी का हिस्सा है तो इस तरह से पूरा क्रॉस हमें क्रिएट करना है तो मैं बहुत लाइटली मार्क कर रही हूं तो शायद उतनी अच्छे से नहीं दिखेगा पर इस तरह से आपको दिखेगा जब हो जाएगा अब मैं लूंगी एक्रेलिक पेंट तो एक्रेलिक पेंट में अभी क्या करना है हमें बहुत सारा पानी मिला के एकदम डाइल्यूट करना है बहुत सारा पानी मिलाना है ताकि उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल सटल रहे तो बिल्कुल बैकग्राउंड ही सिर्फ इसका इफेक्ट आना चाहिए और कुछ हम खास नहीं करेंगे जैसा मैंने बोला आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम uh, uh, पे फॉलो करते हो जो आप हैंडल अभी देख सकते हो दत्ता अनुश्री उस पर अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो उसके पहले मैंने इसी स्टाइल में एक बर्ड बनाई थी तो लोगों को बहुत पसंद आई थी इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक ट्यूटोरियल आप बनाओ कि कैसे आपने uh, ये किया तो आज मैंने बर्ड की जगह एक लायन मैं बना रही हूँ तो अगर आपको चाहिए कि मैं इस स्टाइल में, इसी यूनिक स्टाइल जो कि मेरा अपना खुद का है अगर इसी यूनिक स्टाइल में आप चाहते हो कि कुछ और मोटिव बनाओ तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको क्या चाहिए क्या मैं ट्यूटोरियल इसके ऊपर बनाऊँ और आ, मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूं ट्यूटोरियल क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी और अभी शायद ये लगा रहेगा दो तीन महीने तो बहुत रेगुलरली वीडियोस नहीं आएंगे बट आगे से प्रॉमिस है कि मैं रेगुलरली पोस्ट करने की कोशिश करूंगी तो इस तरह से मैंने बॉर्डर बिल्कुल लाइट रखा है देखो स्केच मतलब एकदम इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको बहुत परफेक्ट बॉर्डर आना चाहिए ये सिर्फ याद रखना है कि ये सिर्फ बैकग्राउंड के लिए पैटर्न क्रिएट किया जा रहा है बाकी जो हम ड्राइंग करेंगे इसके ऊपर करेंगे तो इसीलिए हमने पानी भी बहुत सारा मिलाया है पेंट के अंदर ताकि बैकग्राउंड जो है बिल्कुल लाइट रहे तो देखो ये क्रॉस जो हमने किया था इसीलिए किया था ये जो सारे लाइन्स जो चेक्स क्रिएट किए थे क्योंकि उसके ऊपर ये वाली डिजाइन बनानी है हमें तो ये जो डिज़ाइन है कुछ भी नहीं है उसके क्रॉस के ऊपर सिर्फ दोनों तरफ से कर्व्स खींचते जाना है और एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है तो इस तरह से ये पैटर्न काफ़ी मिथिला पेंटिंग में भी यूज़ होता है ये सेम पैटर्न तो ये पैटर्न आपको पूरी तरह से भर देना है और जो साइड में मैंने बॉर्डर के लिए बनाया है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे दिखेगा जब आपका पैटर्न बन जाएगा और सूख जाएगा अब मैंने लिया है एक ब्लैक पेन आप कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हो मैं जो इस्तेमाल कर रही हूं वो रोटरिंग आइसोग्राफ पेन होता है ये आर्किटेक्ट ज्यादा यूज करते हैं इसमें इंक वगैरह भरना पड़ता है अगर आप चाहें तो कोई भी वाटर ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं इस पेंटिंग को बनाने के लिए तो जैसा मैंने कहा यह बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है तो मत कन्फ्यूज होना कि यह ट्रेडिशनल मिथिला पेंटिंग है ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल है ये कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे ट्राई किया था और लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था ट्यूटोरियल बनाने के लिए इसलिए मैं बना रही हूं तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये पर इसमें जितने मोटिव्स यूज कर रही हूं मैं जितने डिजाइंस यूज कर रही हूँ वो बिल्कुल मिथिला से इंस्पायर्ड है तो ये आपकी इन दी एंड एक यूनिक सी नई कंटेम्प्रेरी स्टाइल की मिथिला पेंटिंग बन जाएगी तो इस तरह से हमें बॉर्डर करना है तो बॉर्डर में भी बिल्कुल सारे डिज़ाइन्स जो हम यूज़ करेंगे पैटर्नस इंस्पायर्ड uh, है वही मिथिला पेंटिंग से जैसे लाइन्स तो ये पूरी पेंटिंग जो बनेगी वो कचनी में बनेगी और कचनी क्या होता है मैंने पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है कचनी एक यूनिक स्टाइल uh, uh, है मिथिला का मिथिला के वैसे पांच स्टाइल्स होते हैं जैसे भरनी कचनी uh, गोदना तांत्रिक uh, कोहबर ये पांच स्टाइल्स होते हैं तो उसमें से एक ये है कचनी और ये मेरा फेवरेट भी है कचनी में क्या होता है कि पूरे डिज़ाइन को हम सिर्फ पैटर्न और लाइन्स डॉट से भरते हैं तो उसी तरह का हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो बॉर्डर में मैंने कुछ नहीं किया स्क्वेयर स्क्वेयर डिवाइड करना है आपको और लाइन्स उसके अंदर फिल कर देनी है फ़ाइन लाइन्स तो इसके लिए दो पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो थोड़े मोटे मोटे पेन से मैं स्केच कर रही हूँ और अंदर फाइन लाइन्स के लिए बहुत ही बारीक पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ जो पॉइंट फाइव एम एम का है उसका पॉइंट तो वो एकदम बारीक पेन आप इसका ध्यान देना कि आप आ, कौन सा पेन, पेन इस्तेमाल करो तो फाइन लाइंस के लिए बारीक पेन से अच्छा इफेक्ट आएगा तो बॉर्डर बन गया देखो कि बिल्कुल सटल लग रहा है कोई वो बैकग्राउंड का इफेक्ट नहीं आया क्योंकि हमने बहुत सारा पानी मिलाया था एक्रेलिक पेंट में अब कभी कभी इसकी इंक सूख जाती है तो हमें टिश्यू पेपर रखना पड़ता है उसको साफ़ करने के लिए तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कुछ ऐसे मार्क का जैसा इस्तेमाल कर रहे हो या आ, कोई ऐसा वाटर पेन इस्तेमाल करे हो, तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी पर चूंकि ये रोटरिंग पेन है इसमें इंक भरते हैं तो ऐसा कुछ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें बार बार आपको इंक साफ करना पड़ता है या ध्यान देना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा कि आपका हाथ ना लग जाए तो उससे भी इंक जो है फैल सकता है तो ये सब थोड़ा ध्यान देना जब आप स्केच कर रहे हो तो सबसे पहले हम फेस से शुरू करेंगे और इस तरह से खींचेंगे तो ये जो लाइन भी हम स्केच करेंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे लेकिन फिर भी ये कॉन्टेप्रेरी है अपने यू uh, नो you know, अंदाज में क्योंकि इसका जो तरीका है बनाने का वो बिल्कुल uh, मिथिला का नहीं है पर हाँ ये बिल्कुल उससे इंस्पायर्ड है उसी के तरह दिखता है थोड़ा सा यूनिक है बिल्कुल अलग है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा ये यूनिक स्टाइल कुछ और मोटिव्स बनाऊँ तो ज़रूर सजेशन सजेशंस देना कि क्या बनाऊं मैं शायद नेक्स्ट सोच रही हूँ एलिफेंट बनाने का इसी तरीके में मैंने इनफैक्ट पूछा भी था लोगों से कि क्या बनाऊं इसी स्टाइल में तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि लायन बनाओ एलिफेंट बनाओ तो अलग अलग सजेशंस आए थे तो मैं आ, कोशिश करूंगी आ, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्यूटोरियल्स भी बनाने की तो लायन के लिए हमने किया है इस तरह से आ, उसके लेग्स बनाने हैं तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रखना है मोटिव आप चाहें तो इसको बिल्कुल आ, ये बैकग्राउंड ना क्रिएट करें और प्लेन पेपर पे बनाएं तो ये बिल्कुल मिथिला पेंटिंग जैसा लगेगा एग्जैक्ट उसी के जैसा लगेगा तो फिर आ, वो आप ट्रेडिशनल उसको अगर बनाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड uh, अवॉइड कर सकते हैं बट ये बैकग्राउंड थोड़ा यूनिक बना देता है थोड़ा उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है और मुझे काफ़ी एक्सपेरिमेंट uh, करना भी अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने ट्राई किया है कुछ अलग बनाने का तो इस तरह से हम फिर लेग्स को इस थोड़ा सा शार्प ऐसे दिखाएंगे कि उसके नाखून बिल्कुल शार्प हैं तो इस तरह से तो ये जो मिथिला आर्ट होता है ये काफ ये एक फोक आर्ट फॉर्म है और काफ़ी क्या बोला जाए उसको कि आ, करेक्ट वर्ड अगर इंग्लिश में है तो बहुत ही नाइव होता है जो मासूम होता है बिल्कुल आ, एक उसमें पर्सपेक्टिव नहीं होता है उसको आप सिर्फ टू में बनाते हैं थ्री नहीं रहता वो तो इसीलिए ये आप देखोगे कि काफ़ी ये कल्चरली भी अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है तो इसके बहुत सारे जो मोटिव्स पैटर्न्स हैं वो इन्फ्लुएंस रहते हैं इस तरह से कल्चर से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो इसीलिए ये जो बनाने में बिल्कुल यूनिक दिखता है अलग दिखता है इसको हम नॉर्मली जैसे एक शेर है वैसे नहीं बनाते अलग तरीके से बनाते हैं अब नीचे हम थोड़ा सा ऐसे ग्रास जैसा इफेक्ट डाल देते हैं कि शेर बिल्कुल जंगल में है तो थोड़ी सी ग्रीनरी भी रहनी चाहिए बट एग्जैक्टली ग्रीनरी यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे चूँकि कलर्स नहीं यूज़ करें रहे चूँकि सिर्फ पैटर्नस भर रहे हैं पर थोड़ी सी थोड़ा इफेक्ट थोड़ा बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है आपके पेंटिंग को और ज़्यादा बढ़िया दिखाने के लिए और उभारने के लिए तो इसके आगे हम बढ़ेंगे और फिर यहाँ पे फाइन लाइन से भर देंगे जो उसके चारों तरफ जो शेर के बाल होते हैं फेस के पास वो दिखाने के लिए हम ये भर देंगे तो यहाँ पे ऐसे आप फाइन लाइंस बिल्कुल वो बारीक वाला पेन आपको लेना है और फाइन लाइन से चारों तरफ बिल्कुल भर देना है थोड़ा सा अब ये जो ग्रास बनाया है उसको डार्क करेंगे और जो मैंने आउटलाइन भी किया था शेर का उसको भी डार्क किया है वापस से तो डार्क करने से वो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा जो पीछे का पैटर्न है वो दब जाएगा और शेर ज़्यादा आपका उभर के दिखेगा पर इन दी एंड जब आप भर दोगे पूरी तरह से पैटर्न से तो शेर आपका बिल्कुल उभर के दिखता है और हल्का सा बिल्कुल सटल सा बैकग्राउंड दिखता है तो उसको एकदम से यूनिक बना देता है क्रिएटिव हो जाता है ये थोड़ा सा पेंटिंग और आप ज़रूर कोशिश करना और इसको आप फ्रेम करके अच्छे से जगह अपने घर पर लगा सकते हो तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है डॉट्स जो उसके क्लॉज जो दिखाए हैं जो पंजे हैं उसके अंदर डॉट्स का इस्तेमाल किया तो मैंने जैसा आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि कचनी स्टाइल है कचनी स्टाइल में लाइंस डॉट्स पैटर्न्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह से यहाँ कान में भी बिल्कुल फाइन लाइन्स भर देना है और यहाँ पर साइड में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स लाइन्स पर ये लाइन को बिल्कुल सटाना नहीं है हमको एज टू एज सिर्फ ऊपर से हल्के हल्के और ये पीछे भी इस तरफ भी फाइन लाइन्स पूरे भर देने हैं उसके बॉडी पे जो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया है वो भी आपको फाइन लाइन से भर देना है यहाँ पे पूछो में भी फाइन लाइन्स और कुछ अलग पैटर्न आएंगे टेल के ऊपर वाले हिस्से पे तो इस तरह से दोनों तरफ छोटे छोटे लाइंस बारीक ये यह पैटर्न आपको आगे करते जाना है डार्क करो लाइंस और छोटे छोटे लाइंस सटाना नहीं है एज टू एज नहीं करना है और हम फिर यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर थोड़े लाइंस ऐसे दे देंगे थोड़ा इफेक्ट लाने के लिए और सेम जो हमने टेल में लगभग पैटर्न यूज किया है सेम टू तो सेम यहाँ पे जो फेस और उसके जो हेयर के बीच का लेयर है उसमें ये वाले पैटर्न डालेंगे तो एकदम से थिक लाइन और दोनों तरफ छोटे छोटे लाइंस पर एक दूसरे से सटाने नहीं है उसको एक दूसरे से अलग रखना है थोड़ा गैप रखना है बीच में तो ये हो गया देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पैटर्न भरते जा रहे हो आपका शेर हाईलाइट हो रहा है और पीछे का जो बैट पैटर्न है जिस जो मकसद था हमारा उसको सटल रखने का बिल्कुल सिंपल रखने का वो वैसा ही दिख रहा है इस तरह से हम थोड़ा सा यहाँ पे डॉट्स दे, दे देंगे उसके फेस के पास तो ये और ज़्यादा क्यूट और प्यारा दिख रहा है इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा यहाँ पे ऐसे डबल लाइन करेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि आ, ये तो मिथिला पेंटिंग है ही नहीं बिल्कुल डबल लाइन नहीं यूज़ होती तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मिथिला पेंटिंग में डबल लाइन यूज़ हो ये अगर आपको कोई बता रहा है तो बिल्कुल गलत है हर हर मिथिला पेंटिंग अगर आप बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के भी पेंटिंग्स देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह डबल लाइन यूज़ होते हैं डबल लाइन का सिग्निफिकेंस है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक उसको कह सकते हैं कि एक यू नो ऐसी चीज़ है जो उसको क्लासीफाई करता है कि ये मिथिला पेंटिंग का एक फीचर है पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर पेंटिंग में डबल लाइन ही हो तभी वो मिथिला है तो इसमें बहुत तरह के तरीके होते हैं स्केचिंग करने के अगर आप उसको डेप्थ में देखोगे और अच्छे से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आप कई सारे बहुत अगर आप कचनी के वर्क्स देखना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कचनी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आप उनकी पेंटिंग्स देख सकते हो और उनका वर्क देख सकते हो और इंस्पायर हो सकते हो और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो तो इस तरह से हम पीछे पीछे भी यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लाइंस पैरल लाइंस करनी है और उसके अंदर थोड़ा सा डार्क लाइट डार्क लाइट ऐसे करके अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम छोटे छोटे सर्कल्स यहाँ भर रहे हैं और उसके जो बीच का जो गैप है उसमें थोड़े फाइन लाइंस तो पेन थोड़ा मैं चेंज कर रही हूँ कभी फाइन लाइन वाले पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ पतले पॉइंट का और कभी मोटे पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इस तरह से अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम पैटर्न ख़त्म करते जा रहे हैं ये और ज़्यादा सुंदर दिखते जा रहा है हमारा जो शेर है काफ़ी प्यारा दिख रहा है अभी यहाँ दोनों साइड हम थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे और इसको जैसा मैंने कहा पूरी तरह से पैटर्न से भर देंगे तो वापस से इंक सूख गया तो थोड़ा आपको टिश्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आप रोटरिंग पेन का इस्तेमाल कर रहे हो या इस तरह के पेन का इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आप इंक भरते हो इस तरह से अब यहां पे हम करेंगे डबल लाइन तो डबल लाइन का आप अगर देखोगे तो इंपॉर्टेंस एक ये भी है कि आपको एक पैटर्न और दूसरे पैटर्न से सेपरेशन में वो हेल्प करता है तो यहाँ पे हम बनाएंगे लीव्स थोड़े ऊपर से भी ऐसे दिखा सकते हैं कि थोड़े लीव्स हैं थोड़े पत्ते हैं कि वो एक पेड़ है ऐसे कुछ थोड़ा सा ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फ्लोरा और फोना का जो कहते हैं कि जंगल बिल्कुल थिक है मतलब उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं ऊपर और इसको भी हम थोड़ा थिक कर लेंगे लाइन को मोटा कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सा बीच में भी लाइन को थिक कर लेंगे और फिर फाइन पेन लेंगे और दोनों साइड से शेड कर देंगे फाइन लाइन से तो काफी ज्यादा फाइन लाइंस का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे ये खत्म करेंगे फटाफट और ऐसे और दो तीन और पत्ते बना देंगे आगे तक ताकि ये पूरा कंप्लीट पिक्चर लगे एक कॉम्पोजिशन लगे ना कि सिर्फ जस्ट शेर पर चारों तरफ थोड़े पत्ते भी हैं और ऐसे भी अगर आप देखोगे मिथिला पेंटिंग को तो काफ़ी उसमें पेड़ पत्ते पौधे काफ़ी बनाए जाते हैं बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से हमेशा ऐसे भरा रहता है ऐसे फूल पत्तियों से तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और इम्पॉर्टेंट फीचर है ओ ये बनाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ भी कुछ पैटर्न भरा हमने जो पीछे का डिज़ाइन बनाया उस पर और हम अब इसको बीच वाले डिज़ाइन को थोड़ा और इन्हांस करेंगे थोड़ा और सुंदर बनाएंगे यहाँ पे थोड़े ट्राइंगल्स यूज करेंगे ट्राइंगल्स सर्कल्स आप ध्यान दोगे तो काफी सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज होते हैं मिथिला में ट्राइंगल्स सर्कल्स और बाकी सब आप देखोगे इनफैक्ट आप अगर भरनी में भी बना रहे हो जहां हम रंग से भरते हैं पूरी पेंटिंग को वहां भी काफी सारे सर्कल्स ट्राइंगल्स से लोग डिजाइन बनाते हैं और वैसे ही बना जाता है तो इस तरह से भी हमने बहुत सारी भरनी पेंटिंग भी बनाई है इस चैनल पे साथ में तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे और छोटे छोटे सर्कल से पैटर्न बनाएंगे और मल्टीपल लाइंस तो इन सब चीजों का इफेक्ट आता है जैसे जैसे आप करोगे और बीच में एक बड़ा सा सर्कल डबल लाइन अंदर उसके और छोटे 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 सर्कल्स चारों तरफ या कह सकते हैं छोटे छोटे पेटल्स जैसे छोटे छोटे सेमी सर्कल्स एंड देन हम बनाएंगे एक फूल के लिए सबसे पहले लाइंस खींचेंगे चारों तरफ और उसी को हम एक दूसरे से जोड़ के फ्लावर मोटिव बनाएंगे तो इस तरह से जोड़ देंगे चारों तरफ तो बन जाएगा एक फ्लोरल मोटिव यहाँ पे तो फ्लोरल मोटिव का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है मिथिला में और उसको थोड़ा सा डार्क करेंगे तो हर एक जो मेन मोटिव है जो भी मेन आपका डिज़ाइन है उसको डार्क करेंगे और अंदर फाइन लाइन से भरेंगे तो ये आपको बैलेंस बना के रखना है ये देखना है आपको तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे दत्तानुश्री पे अभी आप अपने स्क्रीनस पे हैंडल का नाम देख सकते हैं और वहां पर मैंने एक और बर्ड भी क्रिएट किया है इसी स्टाइल में तो वो भी आप जाके देख सकते हैं और बाकी की भी पेंटिंग्स आप वहां देख सकते हैं उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि किस तरफ किया जाए पहले आ, पहले इसको भर लेती हूँ फाइन लाइन से फिर बाकी का बैकग्राउंड करूँगी कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि आप आ, आपका इंक अगर ड्राई ना हो तो आप एकदम से हाथ डालोगे तो फैल जाएगा पर चूंकि हम ये पेपर पे बना रहे हैं तो पेपर पे काफ़ी फास्ट ड्राई होता है वो भी एक एडवांटेज है अगर आप इसको कैनवस पे करोगे तो आपको काफ़ी देर रुकना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ होता है और रिसेंटली मैंने एक ह्यूज कैनवस पे बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई है तो वो मुझे एक्सपीरियंस है तो पेपर पर पे, सबसे सबसे आसान बेस है अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे आसान है कि आप पेपर से शुरुआत करो तो अभी ये आया यहाँ पे डॉटेड लाइंस जो बाकी का बैकग्राउंड है अब हमें मैक्सिमम जो है जितना भी बाकी का बचरा हिस्सा है उसमें हमें डॉटेड लाइंस भरने हैं जस्ट जैसे मैंने मिडल के पार्ट में भरा अभी हम सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे एक से लाइंस बना देंगे और कुछ पैटर्न दे देंगे ताकि वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए और ज़्यादा सुंदर लगे तो यहाँ पर जैसे उस साइड बनाया है वैसे ही सर्कल सर्कल वाले पैटर्न और डबल लाइन ये करने के बाद हम बाकी का जो आ, हिस्सा है जितना भी जो बॉडी पार्ट है शेर का उसको डॉटेड लाइन से भर देंगे हमने फेस को भी भर दिया है डॉटेड लाइन से तो ये लगभग लास्ट स्टेप है बिल्कुल तो ये भरने के बाद हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा एक छोटा सा हिस्सा बचा है जो आईज है और आईज को आप देखोगे जैसे ही आप ब्लैक कलर भरूंगी मैं अभी तो वो बिल्कुल से हाईलाइट हो जाएगा तो वो मुझे अ uh, लास्ट में करना है तो सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं ये डॉटेड लाइंस या इनफैक्ट अभी भी हम करके देख सकते हैं आपको मैं दिखा सकती हूँ कि कैसा लगेगा जैसे ही हम आइज में वो ब्लैक कलर भरेंगे जो बीच का मैंने हिस्सा छोड़ दिया है उसके अंदर हम भरेंगे ब्लैक कलर अभी आईज़ के एक बार ये डॉटेड लाइंस हम थोड़ा सा और करके दिखाती हूँ मैं थोड़ा आपको ध्यान देना है और इसमें आपको उतनी हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल बिंदास होकर डॉटेड लाइन्स बनाइए और वो जैसे ही भर जाएगा तो ऐसा नहीं कि आपका एकदम करेक्ट एकदम एक्यूरेट आना चाहिए तो इस तरह से देखो कैसे आई हाईलाइट हो जाता है जैसे ही आप कलर भरते हो और छोटा सा एक हिस्सा वाइट छोड़ देना है तो ये पूरी पेंटिंग बनने के बाद ऐसे दिखनी चाहिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें